चेहरे पर चमक, दांतों में चमक, पूरे शरीर में चमक और उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट। सबको ऐसा ही बनाना, रोल मॉडल। मॉडल से भी अच्छा आपका मॉडल होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अपने को कोई बिजनेस थोड़ी करना है, हमको कोई एक्टिंग करना है, कोई मॉडलिंग करना है, लेकिन मॉडल से भी अच्छा मॉडल अपना रखते हैं। आप लोग भी रखना। पर हाँ बाबा, शादी से पहले तो हमारा अच्छा था, तो क्या शादी के बाद बर्बादी हो गई सारी? अच्छा करके रखो ना शरीर, क्यों नहीं रखते? कितना कीमती है ये शरीर की कीमत कितनी? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉडी? आप कॉस्ट तो इसके कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक एक ऑर्गेन, एक एक सेल, वन सेल इक्वल टू वन बॉडी एंड वन बॉडी इक्वल टू वन यूनिवर्स। कितना आपके पास दिया है उस भगवान ने, लेकिन पता नहीं कौन सी धुन लगी हुई है, पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए हुए हैं। सब चीजों के लिए वक्त है। सोने के लिए कितना वक्त है? 8 घंटे सोते हो तुम लोग? मैं तो 4 ही घंटे सोता हूं। सोने के लिए 6 घंटा इनफ है, इससे ज्यादा सोना जीवन को खोना है। 6 आवर इनफ फॉर स्लीप, 6 घंटा बहुत। फिर 1 घंटा योग के लिए डेली दिया करो, फिर 14 से 16 14 to 16 hours हार्ड वर्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा योग के लिए, हम 16 घंटा कमाने के लिए देते हैं। पैसा किसके लिए है? मनी किसके लिए है? अच्छी हेल्थ के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, पीस के लिए, लेकिन वो तो मिल ही नहीं रहा, गड़बड़ हो रहा है। सुनो, 1 घंटा रोज देना बॉडी के लिए। तो मैं कह रहा था, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, पूरा शरीर सदा हुआ और अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल, भीतर कोई अपूर्णता नहीं। अपूर्णता से ही तो दुख है, भीतर की पराधीनता, भीतर की दुर्बलताओं से, कमजोरियों से, भीतर की अपूर्णताओं से मुक्ति। मुक्ति क्या है? अभाव का अभाव हो जाए, किसी चीज का अभाव ना रहे। तो एक तो ये कितना मिनट करना है? 5 मिनट्स डेली, 5 मिनट, और इससे कोई एलर्जी नहीं। एलर्जी किसको होती है? जिसकी एनर्जी डाउन होती है। किसकी एलर्जी हो गई? ये फूलों की एलर्जी होती है। ये शेखर को, हमारा जो पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट का जो इधर जो है प्रेसिडेंट है, चेयरमैन हमारे ब्रह्म साहब, ये तो ब्रह्म, तो ब्रह्म में ही रहते हैं। शेखर को 18 साल से एलर्जी थी, मुझे तो आज बताया इसने, पहले कभी बताया नहीं। 18 ईयर्स से किससे? जो फ्लावरिंग होता है ना, उस समय एलर्जी हो जाती थी, उसको एलर्जी होती थी। अब प्राणायाम करके 100% क्योर होगी। क्या एलर्जी? किसी को किसी चीज से, किसी को वीट से, किसी को घी से, किसी को डिफरेंट प्रकार के फ्रूट से, किसी को अब एयर से भी एलर्जी है इससे, और मिट्टी से, धूल से भी एलर्जी है, फिर किसी को धुएं से, किसी को किसी चीज से। अब किसी भी चीज से एलर्जी हो, किसी को लेडीज से एलर्जी है, किसी को जेंट्स से एलर्जी है, हाँ बहुत तरह की एलर्जी है। जो भी योग करेगा ना, उसको किसी भी चीज से एलर्जी नहीं होगी। सब अच्छा होना चाहिए ना। और लोग कहते दिस इज नॉट पॉसिबल, आप किसी को भी खरीद सकते हो। थोड़े से लोग होंगे जहां पर बोर्ड लगा हुआ है नॉट फॉर सेल, नहीं तो हर आदमी बिकाऊ, बोले कुछ नहीं हो सकता।